सो अभी कितने बज गए? 8:30। 8:30 और हम इस गाड़ी में आए। ये तवेरा है, ये 16-year-old मॉडल है। क्या ही बोले, अभी कंफर्ट कैसा था? ठीक ठाक था, नॉर्मल था, नॉर्मल। और पर पर्सन कितना पड़ गया आपको? 180। मतलब हमको 180 पड़ गया। तो ये होटल, होटल का नाम क्या है बाय द वे? 79। कुछ बोर्ड बिड नहीं है भाई साहब। ये पूरा ऐसे ओल्ड गोवा टाइप रोड है, ऐसे गलियां है। इधर पूरे साइड होटल ही होटल है, मतलब एक छोटे निवास सॉर्ट ऑफ थिंग, जैसे महाबलेश्वर में हमने देखे थे। सो ये गाड़ी ये जाने वाले अभी, और हम चेक इन करने वाले। चेक इन का टाइम क्या है? 9 बजे और अभी बज गए हैं 8:31। तो आधा घंटा इधर उधर करेंगे, चेक इन करेंगे, पहले स्नान करेंगे, फ्रेश होंगे, जो डेली रूटीन है वो करेंगे, और बाद में देखेंगे क्या सीन है। बहुत सारे वीडियोस डाउनलोड किए हैं, और ये आप देख सकते हो इधर बेहतरीन। हॉस्टल लाइफ टाइम ये होटल। होटल का इंट्रो मैं बाद में देने वाला हूँ, क्या है क्या नहीं है। भाई देखिए, ये हॉस्टल नहीं है, प्रॉपर होटल है, एसी रूम है। तो अभी हम फिलहाल ये जो टैक्सी वाले, इनका पेमेंट क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास ऑनलाइन कुछ नहीं था, तो उनको कैश दे रहे हैं। ये एक छोटी सी वैन, बोरवेल। ये चेक इन 9 वाजता है ना, जाऊ शकतो काय? नाही, एनी टाइम, कधी जाणार? एनी टाइम बोलतोय। हां, चल घेऊ शकतो आपला माईकल। घेतली ए ए ए बॅग सगळ्या घेतल्या का? मी ती गोल वाली गांधा घेऊ। अरे भाई साहब, तेच म्हटलं बॅग घेऊ। थैंक यू। जाने दो अंदर अंदर, ऐसे करो। हाँ, जाने दो। तो ये मिरर, कुछ फ्रेश बिश कुछ नहीं हुए, कुछ मॉर्निंग रूटीन। सो यस, इट्स ऑलमोस्ट 9:21 एंड वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर। अभी इधर से कलंगुट बीच बहुत पास है, ये हमारा पीछे होटल। होटल का नाम क्या है मालूम नहीं। आई शपथ, इसको होटल का नाम ही नहीं पता। तेरे को मालूम है 79 करके कुछ होटल है कि मैंने वो वाईफाई कनेक्ट किया तो इसके कारण वो आ गए। ऐसे वाईफाई की स्पीड ऑल ओके, मीडियम है। और अभी हम शॉर्ट्स में कलंगुट की सड़कों पे घूम रहे हैं। और गोवा आए और आपको बीच ना दिखाए, ऐसे कभी हो नहीं सकता। ये मैंने बहुत शॉट देखे है। ये जो है लेट ध्यानंद बांदोलकर का स्टैचू है, और ये इधर से चालू होता है कलंगुट बीच। ओके, गोवा की पुलिस है इधर। नहीं नहीं, ए बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग पण असेल ना। सामने ही बेहतरीन बीच, और साइड में पूरे स्टॉल
ठेले जो भी है यार, बैग आना ना पाई होती रे मी। ये हम सफर राजनंदनी केंद्र। यस लास्ट कलंगूट बीच। मैंने बॉटल लाई है बट बॉटल खत्म है। बिलोंगिंग्स देख सकते हो आप। और नीचे जा रहे एंजॉयमेंट। अजून एकदा आगे जाइए मत सामान। ऑलमोस्ट 1.5 घंटा पूरा समंदर में खेलने के बाद हम जा रहे नाश्ता करने को, क्योंकि सुबह से ब्रेकफास्ट ही नहीं किया था। क्या ना एंजॉयमेंट था कि ब्रेकफास्ट ही नहीं किया। पूरा बॉडी का सीन होने वाला है मुझे पता है, बट स्टिल इट्स वेरी हॉट यार। छतरी लेना चले। सो राइट नाउ हम हमारा जो होटल है वो छोड़ के हम जा रहे खाना खाने को। बहुत टाइम हो गया, अभी टाइम है 12:00। अभी सोच रहे गाड़ी हायर करने का, 2-व्हीलर, जो कि हम 5 जन हैं। मैं इस होटल का और इस प्रॉपर्टी का टूर मैं आपको बाद में दूंगा। ये सचिन केंद्र कुछ व्लॉगिंग कर रहा है। ओके, टाइम बहुत फास्ट पास होता है इधर। मैं वाटर बॉटल ली, सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह से मैं सिर्फ एक बिस्किट पे हूँ, ऑन बिस्किट, वो जो बॉर्बन आता है उस पर। तो अभी जा रहे मस्त पे खाना खाने को, वेज थाली या नॉन वेज थाली जो भी है खा लेंगे, बताते जाएंगे आपको क्या सीन है और क्या नहीं है। ये है गोवा की सड़कें। सचिन कोणता चौक आहे रे? कोणता चौक आहे? कलंगट चौक। कलंगट बस स्टँड इधर पार्किंग बस स्टँड आहे। कलंगट पोलीस चौक। पोलीस चौक या सो अभी हम आ गए हैं जय महाराष्ट्र होटल ओम साई महाराष्ट्रियन जेवणाची उत्तम सोय। ये है पूरा आइटम्स, ये बेहतरीन हम बैठे हैं। बाय द वे प्राइसेस इधर बहुत नॉर्मल है। आलू पराठा 70, गोभी पराठा 70, पनीर पराठा 80, और ये टी 20, मिल्क 30, कॉफ़ी 30, कोल्ड ड्रिंक 30। सो मिनरल वॉटर एक्वा आणि मिनरल वॉटर मध्ये काय फरक आहे? और ये वेज थाली स्टार्टर सब देख सकते हो, गोभी चीज ऑल रीजनेबल प्राइस है। जो रोस्टेड पापड़ है वो 20 रुपीज का है। सो दाल फ्राई 90। तो हमने बेहतरीन थाली मंगाई है
जो थाली आती है एग चिकन और ये चिकन नूडल्स फ्राइड राइस सी। ये देखो ये तंदूरी चिकन कबाब थाली में वेज थाली 110 भाई का समोसा से अरे कुट्टी पे द्वारा बीच कुट्टे पे रास्ते में पे चल किधर है। सो ये बेहतरीन थाली आ गई है, सेव भाजी दाल ये तो बेहतरीन से हमारा वेज थाली मेनू हो गया। अभी जाएंगे एक्सप्लोर करने टू गोवा। तुला हवा है कसं होतं जेवण? पोट भरलं की नाही? ठीक आहे ठीक आहे ठीक वाटलं जेवण? नाही तुला घ्यायचं नाही ना रे ब्लॉक मध्ये कोणाला तुला सगळे म्हटले नका घेऊ पोरगीने बघितलं कोणी ब्लॉक तर माझ्या ब्लॉग मध्ये काय हरकत नाही हिला घ्यायला अशी ही म्हणते। काय वाटतं तुला आता काय करणार आहोत? भारत माता की जय म्हणते हे नको बाबा हे निघत आहे दगड चल ही म्हणते घे चलो। सो राईट नाऊ वी आर हायरिंग दिस व्हेकल्स नाही 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 ऍक्टिव्हा रे ऍक्टिव्हा चालवायला येते म्हणून घेतोय आम्ही। घातली बांबू बसलायला प्लीज यार आपका प्रमोशन हो जाएगा। मेरा 1000 सब्सक्राइबर है पूरा प्रमोशन हो जाएगा। एक असते ना ही सचिन पिवळी नाही तर लाल राइट नाउ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन विच व्हीकल एंड हु विल चूज टू राइड इट। द व्हीकल्स आर ऑफ 300 ईच 300 रुपए में एक व्हीकल है। उनका टाइमिंग है 8 से 9 लेकिन इन्होंने सब्सिडी दी हमको जो आप अगले दिन सबमिट कर लो। फसीनो है फसीनो 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 एक्टिवा डीओ डीओ दैट्स द थिंग। सो दिस इज़ द वन ये हमने गाड़ी बुक की है 600 रुपये को 2 दिन के लिए एंड इसमें पेट्रोल है इतना कि वो पेट्रोल पंप पहुँच सकती है। देखते हैं अभी क्या सीन है इसका। ये हेलमेट इन्होंने दिया है, अगर गोवा में आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको 1000 रुपये का फाइन लग जाएगा। ये उन्होंने हमको बताया फॉरगो चाबी इधर है। वी आर बैक इन टू आर रूम एंड अभी थोड़ा सा फ्रेश होंगे और निकलेंगे थोड़े मोड़े पॉइंट्स कवर करने को। मैं बताता हूँ क्या क्या कवर करना है अभी। सचिन अब किधर जा रहे हैं हम? बाइक तो रेंट की कर ली। अगोड़ा फोर्ट किधर आता है वो? ये अभी यहाँ से 8 किलोमीटर है। हाँ 8 किलोमीटर है। यस। और दूसरा जो रहेगा वो केव्स है जो कि डेविल्स फिंगर्स बोलते हैं उसको। हाँ क्या स्पेशलिटी क्या है उसकी? स्पेशलिटी क्या है केव्स मतलब वहाँ पे पत्थर बड़े बड़े हैं समुद्र के पास, वहाँ पे जरा थोड़ा फोटो शूट होता है वहाँ पर। ओके ओके सीन अच्छा है। और बाकी की ये 3 बीचेस कैंडलिम कलंगट और ये आज ही हम करने वाले। कलंगट तो हमने कर लिया सुबह ही कर लिया। बागा बीच और कैंडलिम आज हो जाएगा ओके। अरुमविल भी करेंगे। कौन सा? अरुमविल बीच
आरंबोल आरंबोल बीच सो अभी मैं फ्रेश होता हूँ जरा सा मुंह हाथ मुंह धो लेते हैं सो ये हमारी गाड़ी है ये हमारा होटल है अभी हम निकल रहे हैं क्या है होटल का नाम 7-9 11-9 क्या है नाम देखो यही हालत है 7-11 ओके सो अभी हम जा रहे हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है अगोड़ा फोर्ट के बारे में आप विकिपीडिया कर सकते हो वैसे मैं जाते जाते देख ही लूँगा क्या सीन है क्या देखना है क्या दिखाना है ओके सो जाते जाते ये एक्चुअली जो ट्विस्टी रोड से इसमें ये गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है तो आप ये 300 रुपये की स्कूटी हायर प्लीज़ कर दीजिएगा इसको बहुत अच्छी स्कूटी मिली है फैसिनो इसका नाम क्या है शिवा आप इसका इंस्टाग्राम आईडी देख सकते हो मैं नीचे डाल दूंगा और ये मैं स्टेप अभी सेकेंड टाइम है मेरी कैप अभी उड़ने वाली थी सो इसके पहले हम एक बार अगोड़ा फोर्ट को गए पेट्रोल ही नहीं भरते इधर भारत पे हुए पेट्रोल भरने के लिए और अभी आप देख सकते हैं अभी हम आ गए इधर फोर्ट अगोड़ा में लेकिन ये इनका पूरा यार मैंने देखा ऊपर पूरा इनका ये वीपी कैंडोलियन पे पार्किंग ठीक है यार 4-wheeler 100 लेकिन 2-wheeler 15 और चलो मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग ऑफ 4-wheeler and 2-wheeler पार्किंग मतलब इतना करके कलेक्ट पार्किंग रिसिप्ट पार्किंग एट योर ओन रिस्क मतलब 50 रुपये फिर क्यों दे रहे यार फी चार्ज इज ओनली फॉर पार्किंग स्पेस फॉर एनी थेफ्ट प्रॉपर्टी डैमेज ऑफ योर ओन व्हीकल बिलोंगिंग कॉन्ट राइट नाउ हम फोर्ट अगोड़ा पर है और इधर लूट मचा रखी है यार वो जो वीपी कैंडोलियम पे पार्किंग जो है सीन हमने टिकट निकाला है जो कि 25 रुपीज का वो मैं आपको दिखा था इधर है टिकट फ़ोन रख देता हूँ यार पहला फ़ोन मैं नीचे रख देता हूँ ये देख सकते हो आप अगोड़ा फोर्ट ऐसा है कुछ तो ऐसा सीन है सब कुछ दिखा दूंगा ये देखो ये विलेज पंचायत ऑफ कैंडोलिज्म स्वच्छ भारत पे पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर प्रिस्को बाइक पार्क एट योर ओन रिस्क क्या यार कुछ भी यार और ये है टिकट ये हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे कर रहे हैं थ्रू कैनरा बैंक सो ये है ASI एंट्री फी 20 रुपीज़ म्यूजियम और AC का 5 रुपये सो इसके अंदर एक म्यूजियम होगा अभी जो ऊपर हमें दिख रहा है ऊपर एक म्यूजियम होगा वो भी देख लेंगे अपर फोर्ट अगोड़ा और नीचे को बीच दिख रहा है बीच कौन सा है हम देखते तो चलिए ये भी वीडियो शुरू करते हैं वॉइस ओवर के साथ अभी बैठ ही गया मैं माइक लगा के फ़ोन पे तो चलो निकाल दिया है अगोड़ा फोर्ट
अगुड़े अगुड़े नाम आ जाता है यार हर बार। तो ये जो फोर्ट अगुड़ा है ये पोर्तुगीज फोर्ट है, ये अराउंड 17th सेंचुरी को बिल्ड किया था। ये फोर्ट नॉट फॉर अकॉम्प्लिशमेंट या अकोमोडेशन के लिए नहीं बन गया था, ये एक पर्टिकुलरली एक लाइट हाउस एंड अ वाटर रिप्लेसमेंट या वाटर प्रोवाइडर या फ्रेश वाटर प्रोवाइडर आप बोल सकते हो, ऐसे उसको बिल्ड किया था। ये जो है सिंक्वेरियम बीच के जस्ट बगल में है, जो आपको सिंक्वेरियम बीच दिखता है वो अरबियन सी को कनेक्टेड है। ओके, ये ASI के अंडर आता है जो कि है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसलिए हमें 25 रुपीज़ का हमने जो टिकट मैंने आपको बताया। ओके, ये एक नेशनल इम्पोर्टेंस में आता है गोवा में। ओके, इसकी लोकेशन गोवा इंडिया है। ये अबाउट 1612 जैसे मैंने बताया अराउंड कितना 17th सेंचुरी में बिल्ड किया था डच टू गार्ड अगेंस्ट डच। ओके, अगोड़ा वाटर में एक्चुअली जो ये जो फ्रेश वाटर प्रोवाइड करता है वो अराउंड 23,76,000 गैलॉन्स का ये वाटर का स्टोरेज ये करता है और ये बिगेस्ट है एशिया में। ओके, बाय द वे ये फोर्ट दो हिस्सों में बटा है, ये जो ऊपर का जो है उसको अपर अगोड़ा फोर्ट बोलते हैं और नीचे का, मैं नीचे भी गया था बाद में, नीचे का लोअर अगोड़ा फोर्ट बोलते हैं जो कि सिंक्वेरियम बीच के बगल में ही है और उस स्पॉट से नज़ारा वाकई लाजवाब है, क्या ही बताए। अभी जो ये फोर्ट अगोरा वॉज मोस्टली बिल्ड फॉर दैट लाइट हाउस, ऐसे कहा जाता है कि जो वो लाइट हाउस है वो बहुत पुराना लाइट हाउस है एशिया का, अराउंड 16th सेंचुरी में जो उन्होंने बिल्ड किया था फॉर द शिप्स। द फोर्ट एनलार्ज एंटायर अराउंड पेनिनसुला ऑफ बर्देस, ये कुछ पोर्तुगीज लैंग्वेज में है। और जो फोर्ट अगोड़ा के ऊपर से जो रिवर हमको दिख जाती है वो है मांडोवी रिवर, एंड दिस इज द वाइट दैट यू आर सेइंग इज द लाइट हाउस। इन्फॉर्मेशन दी गई है अगोड़ा फोर्ट की, ये जो हम जिस पे चल रहे हैं ये मोटा सा एक टैंक है जिसमें फ्रेश वाटर स्टोरेज है और फॉर वेंटिलेशन एंड एयर फ्लो जालियाँ दी गई है जो आप देख सकते हो। लाइट हाउस बहुत अच्छा मेंटेन है, फोर्ट बहुत अच्छा मेंटेन है एंड मस्ट विजिट पॉइंट है अगर आप गोवा आ रहे हो तो। अगर लाइट हाउस की मेनली बात की जाए जो आपके पीछे दिख रहा है व्हाइट कलर का, तो ये एक ओल्डेस्ट लाइट हाउस है जैसे मैंने बताया। ये लोकेटेड है मोरगुआ पेनिनसुला और कलंगुट बीच के बीच के बीच में। ओके, कलंगुट बीच इधर से अराउंड 8.8 किलोमीटर है। इसके बाद इसको रिप्लेस कर दिया गया नए लाइट हाउस से जो कि 1976 में बन गया। उसके अंदर एक मोटा सा बेल था, ओके, जो संत ने लगाया था अगस्तस। बाय द वे इनिशियल स्टेज में ये लाइट हाउस 7 मिनट में वंस एक लाइट ब्लिंक या थ्रो करता था। अगर हम डाउन साइड ऑफ द फोर्ट की बात की या डाउन अगोड़ा फोर्ट या लोअर अगोड़ा फोर्ट की बात की, तो उधर एक ताज फोर्ट करके एक रिसॉर्ट है जो कि ताज ग्रुप का ही है, अराउंड 1974 को बिल्ड किया गया था। बहुत ही सीनिक होटल है, बहुत ही वाइबिश होटल है। आप गोवा इज ऑल अबाउट अ वाइब, आई कैंट टेल यू दिस थिंग्स, जो हम इधर एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो ही वाइब है और वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं नहीं समझा सकता जो हम फील कर रहे हैं। द वीडियो इज जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस एंड फॉर दैट मेमोरी, दैट्स ऑल। सिंक्वेरियम बीच बहुत सेक्सी दिखता है इधर से, द मिड सेक्शन ऑफ स्काई एंड सी एंड द फोर्ट एंड द कूल ब्रीज, मैन मुझे ज़रा सा भी मन नहीं किया कि इधर फोटो निकालो और ये करो। आई वॉज जस्ट हियर
टू फील दिस वाइब, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। बाय द वे अगुड़ा में ये फोर्ट में एक जेल भी था, ओके, जो कि एक पार्ट हो गया लार्जेस्ट प्रिजन इन गोवा। ये 2015 तक ही चला, बाद में ये बंद हो गया, ओके। उसको बाद में जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने इनॉग्रेट किया 19 दिसंबर 2021 को। उसका रीडेवलपमेंट कॉस्ट अराउंड 22 करोड़ आ गया था, ओके। द म्यूजियम हैज टू पर्टिकुलर सेल्स डेडिकेटेड टू द लिबरेशन फाइटर टीवी कुना एंड राम मनोहर लोधिया, ओके, इम्प्रिजन अदर पोर्तुगीज में। ये अगोड़ा फोर्ट एक खुद में एक काइंड ऑफ सीनिक लोकेशन है जो आपको विजिट करना ही है, ओके। जैसे मैंने बताया बीच साउथ ऑफ कैंडोलिम के इधर आता है, कैंडोलिम इज जस्ट डाउन साइड ऑफ कलंगूट, ओके। सो यस, दैट्स द थिंग, दैट वॉज इट फॉर दिस फोर्ट अगोड़ा सीन। एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो, बाय। वाटर रिझर्व लोक हरवत होत वाटत ते इकडे काय वॉटर रिझर्व आहे रे, बाय द वे फोर्ट इतना बड़ा नहीं है, बट ड्यू टू समर सीजन और सनी डे के कारण बहुत गर्म हो गया था। और ये जैसे मैंने बताया है एक टाइम पे ये एक एशिया का बिगेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वर था, तो इधर फ्रेश वाटर टैंक्स बहुत है। साइड में ही अभी ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जैसे मैंने बताया वो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी आ गए थे इधर, उन्होंने इनॉग्रेट किया, रीडेवलपमेंट के लिए फंड्स प्रोवाइड किए, ओके। सो ये चल रहा है इनका काम। ये एक फिल्टर लगाया गया था इधर नया नया, तो हमने ट्राई किया इधर, ओके, ड्रिंकिंग। अभी जाते हैं डाउन साइड ऑफ द अगोड़ा फोर्ट। सो राइट नाउ हम आ गए लोअर फोर्ट अगोड़ा। पहले हम ऊपर थे और अभी नीचे आ गए। नीचे डायरेक्ट बीच लग रहा है। ये बीच कौन सा है बताता हूँ, बीच है या बीच कौन था है? अगोड़ा किला है, अगोड़ा किला के ऊपर हमने देखा था कि सिक्वेलियम करके एक बीच है, तो यही बीच होगा सिक्वेलियम। ये बेस है सिक्वेलियम का। पूरे सीन ही सीन देख रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं, पूरे सीन ही सीन। गंदगी इतनी है ना इधर,
डीप सी मुझे कुछ आइडिया नहीं यार, मुझे वो लगता है वो ऐसे कलंगूट ऐसे खत्म ही नहीं है। उधर एक वेसल दिख रही है, जो चालू है या बंद है पता नहीं चल रही। उधर भी एक वेसल है। और अभी बेहतरीन हमारी पैर की कुटाई हो रही है, इसकी तो बहुत कुटाई हो गई है। पहले से ही 13,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए मैंने, देख सकते हो कितने बच गए। इट्स अबाउट 4:30। ये है नज़ारा आगे का, क्वाइट नाइस, क्वाइट रिफ्रेशिंग, क्वाइट डिफ्लेक्टिंग। बट हमारे इधर क्या, किधर डेविल्स डेविल्स के होकर के डेविल्स के हो लेके जा रहा है। पहले हमने अपर फोर्ट अगोड़ा किया, फिर लोअर फोर्ट अगोड़ा किया, अभी डेविल्स की। देखते पूरा फेस गंदा हो गया है मेरा। अभी मेरे पीछे दो बंदे गए, उन्होंने रिव्यू दिया कि केव अच्छा है ऊपर का, लेकिन अच्छा है यार, लेकिन पेट में कुछ नहीं यार। सुबह सुबह मैंने, ये लोग गए थे मतलब हम सुबह ही पहुंच गए इधर, कलंगूट बीच किया पहले, ओके, फिर बाद में चलो स्नान तो करना ही है क्योंकि होटल सामने ही था, मतलब पास में था, लेकिन कुछ खाना नहीं खाया था यार, तो मैंने बिस्किट खा लिया। तो बाद में हमने नाश्ता ही नहीं किया, डायरेक्ट हमने लंच कर लिया जो कि थाली था। टेम्पटिंग नहीं बोल सकता मैं, क्वाइट सेटिस्फाइंग था क्योंकि थाली आपको पता होगा जो 1, 2, 3 वेजिटेबल्स, 3 ऑफ 2 चपातीज, पापड़, पिकल एंड दाल भात, इट्स इज दाल एंड राइस। देख सकते हो ऊपर ईगल है मेरे सामने है ऊपर, कितने नीचे है ना, पर ऊपर से बहुत सूदिंग साउंड यार, सूदिंग साउंड। बाय द वे ये जो आवाज है ये मैं खास एटमॉस्फेयर करके एक ऐप है उस पर लगाता हूँ, जब भी मतलब ऐसे स्ट्रेस बेस में हो। उधर बढ़िया से ये चल रहा है जेट स्कीइंग, देख रहे हो वो स्पीड दिख जाएगा अभी, मतलब फास्ट है यार, ऑलमोस्ट फास्ट है। सो ये रॉक्स है, कैसल रॉक जैसा जो स्टेशन था बीच में। हाथ दुख रहा है अभी मोबाइल पकड़ के, क्या है डेविल्स क्यों करके देखते हैं। बहुत चल रहा हूँ यार मैं, देखो वो जा रहे अभी भी ब्लॉगिंग ही कर रहा है बंदा, देखते हैं कितने व्यूज जाते हैं उसके चैनल पे, कितने व्यूज जाते हैं मेरे चैनल पे। ओके सुथिंग, देखो भाई मुझे इतना नहीं आता ये ब्लॉगिंग शॉगिंग, मैं फर्स्ट टाइम आ गया हूँ गोवा। मैं इसके पहले फिफ्थ में आया था, फिफ्थ में हमने ओल्ड गोवा पूरा एक्सप्लोर किया था। फिफ्थ में मतलब मैं बहुत छोटा था, हमारी एक स्कूल ट्रिप थी, सो वो ट्रिप एजुकेशनल बेस पे थी, एजुकेशनल ट्रिप। उसके बाद सेवन्थ में हम एक ऐसे आर्मी कॉल सेंटर करके था। अब मेरे सैनिक स्कूल के फ्रेंड्स को पता होगा इतने बोरिंग ट्रिप के मतलब कुछ सब कुछ दिमाग के ऊपर से गया, वो टेली कम्युनिकेशन, वो एंटीना कम्युनिकेशन, वो FM AM पूरा, मतलब जो भी आर्मी का कम्युनिकेशन सीन है ना दिमाग के ऊपर से गया। और अभी अभी फर्स्ट
फर्स्ट टाइम हम एक्सप्लोर कर रहे हैं गोवा, उसमें भी सुबह का सीन गंदा हो गया। सुबह हमने पेट्रोल ही नहीं भर दिया, हमने 600 रुपये दिया 2 दिन के लिए। वो एक कटी फूटी डियो ली है सचिन ने, उसको भी पता क्यों ली। सामने एक्टिवा 5G थी LED लाइट वाली। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मुझे LED लाइट चाहिए, नहीं दिखाया ये कैसा है। कचुम्बर, हाथ का कचुम्बर, सब का कचुम्बर। तो भी 13,000 स्टेप्स हो गए, 7-8 किलोमीटर आराम से हुए। बहुत दुख रहा है यार, पैर सीन इसकी स्टेप्स करने में कुछ नहीं यार, दिक्कत है धूप, धूप की आदत नहीं है। किधर है ये, किधर है भाई, किधर है ये डेविड्स की करके ऊपर जा रहे हैं। By the way, that's the David's fort over there. इतने के लिए इतना यार, ठीक है यार चलो एक बार ही आते गोवा, स्टेप्स इन कर लेंगे। The bad part is कुछ खाया नहीं यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है मुझे मालूम है, बट अगर हो ना सब अवेलेबल है। मुझे बिस्किट लेना था यार, भूल गया मैं। At last, into David's cave. इतनी मेहनत की। क्या रे भाई हर्षल, हर्ष कितनी मेहनत की इधर आने को? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। देखते क्या है सीन अंदर, मतलब ये देख सकते हो पहले हम ऊपर थे कैसल रॉक वगैरह में बोल रहा था, अब नीचे आ गए हम। चल रे ए ए डेविड्स के बाकी कुछ नहीं है। रात का गोवा, अभी टाइम हो गया है 6:59 अराउंड 7 o'clock एंड दिस इज गोवा। ये नाइट लाइफ है, और हमने जैसे सुबह हमने बाइक रेंट की थी अराउंड 300 rupees पर डे को, सो हमने 2 दिन के लिए बाइक हायर की है। ये आप पीछे देख सकते हो ये पूरा नाइट सीन है। मैं मेरे प्राइमरी कैमरे पे स्विच होने वाला हूँ बाद में, थोड़ा सा अभी मार्केट घूमेंगे ऐसे सचिन बोल रहा था। घूमेंगे क्या सचिन? चलो फिर
सीन भी मेरे साथ है, वो भी आपको एक्सप्लेन करेगा क्या सीन है मार्केट का। काय बघायचं समोर बघू जरा थोडं, चल ना इथंच ला गाडी बसव। गोवा बीच वाला शर्ट 290। तिथं पण 350 शर्ट सगळं, हे पण भारी आहेत रे ओम बिम वाले, हे 200-250 पर्यंत भेटले ना, 150 मी एक घेऊन टाकेल, काय वाटतं तुला? काय बोलू नको, मला जाऊ दे। सो ये रात का मार्केट गोवा का, पूरे कपडे जो ऑर्नामेंट्स है और वुड में भी आपको नंबर मिल जाएगा, बाकी कुछ दिखाने जैसा नहीं है। अगर आप बॉम्बे से हो तो आप बहुत फैमिलियर होंगे, बॉम्बे जितनी भीड़ नहीं है इधर, क्योंकि आपको ऑब्वियसली उधर पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये वृंदावन लोट्स एंड ऑल, तो अभी मैंने ये फिटनेस वर्ल्ड, ये जो जिम है इसका मैंने फेयर प्राइस पूछा, तो ये 200 रुपीज़ पर डे चार्ज कर रहे हैं, तो देखते हैं कल सुबह आएंगे